हाँ जी, ना व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? हमने एक चीज सीखी थी मर्जिंग, ठीक है जी। मर्जिंग में हम क्या करते थे, दो कॉलम्स के थ्रू जोड़ देते थे डेटा को, यस नो। यस सर। अब कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है या अपेंडिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक के नीचे एक रिपोर्ट लगाते जाएंगे। डेटा से फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इजीएस से शुरू करते हैं, हम डेटा कंसोलिडेशन ये वाला ओपन कर रहे हैं। अब आप देखो मेरे पास इसमें दो शीट्स हैं, माइकल और एंड्रयू। माइकल का कुछ रिकॉर्ड है, एंड्रयू का कुछ रिकॉर्ड है। अब मुझे एक रिपोर्ट ऐसी बनानी है जिसमें माइकल ऊपर आ जाए और उसके नीचे क्या आ जाए, एंड्रयू आ जाए। एम आई क्लियर? माइकल पहले आ जाए और एंड्रयू बाद में आ जाए, ठीक है जी। सबको ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हेलो अब करेंगे कैसे, ठीक सर, है? हाँ जी, कल क्लास हुई थी क्या? नहीं हुई थी जी। चलो जी, अब पेंडिंग अब सीख रहे हैं, ठीक है। इसको ऊपर चलते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ गए, डेटा में गए, सेव क्यों नहीं हो रहा? अब माइकल के साथ हम गए, हमने करना क्या है, डेटा फ्रॉम टेबल रेंज क्लोज। तो अब आप यहां देख सकते हो क्या रहा है, ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और सिखाता हूँ मैं आपको, जैसे इसका हम टाइप चेंज कर लेते हैं, डेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये हो गया। अब लेटर सेम यहाँ पे देखो, ये माइकल का डेटा है, मुझे नहीं पता लग रहा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक तो यहाँ से माइकल का नेम आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी माइकल का नाम का एक कॉलम बना लूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एड कॉलम, कस्टम कॉलम, याद है लास्ट टाइम क्या था हमने, ठीक है जी। यहाँ पे नेम कर देते हैं ओनर, और इक्वल टू MICHAEL इन्वर्टेड कॉमास में, ओके। आप देख सकते हो एक कॉलम ऐड हो गया जिसमें माइकल 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 एंट्री आ गई, ठीक है जी। अब होम में जाके क्या करते हैं इसको, एक बार ये दोबारा रिपीट करना अभी सर। रिपीट करूंगा दोबारा से, क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड टू में क्या करते हैं इसका, याद करो मर्जिंग में क्या करते थे, कनेक्शन क्रिएट करते थे, ओके, ठीक है जी। अब एंड्रयू के पास चलते हैं, फ्रॉम टेबल रेंज, फ्रॉम टेबल रेंज, अगेन इसका भी डेटा टाइप चेंज कर लेते हैं, डेट, ठीक है जी। अब देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कॉलम बनाना है, इसमें एंड्रयू लिखना है, तो ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, यहाँ पे हम क्या नाम दे देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, ANDREW, ओके। तो अब आप देख सकते हो एंड्रयू आ गया सारे में, और होम में जाके क्लोज एंड लोड टू ओनली क्रिएट कनेक्शन। तो अब आप देख सकते हो अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, दो आ गए माइकल और एंड्रयू। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, अपेंड। तो यहां पे हम राइट क्लिक करेंगे, अब आप देखो मर्ज के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अपेंड का। अपेंड का मतलब क्या होता है, एक के नीचे एक अपेंड। तो अपेंड में अब उसने बोला प्राइमरी टेबल, पहले टू टेबल्स के बारे में बात करें, टू और मोर के बारे में बाद में करेंगे। टू टेबल्स पे क्लिक किया, माइकल ऊपर, नीचे कौन चाहिए हमें, एंड्रयू, सॉरी एंड्रयू टू था अपना, एंड्रयू टू, ओके, ठीक है जी। ये पता नहीं क्या आ रहा है, कुछ बना होगा यहाँ पे, इसको रिमूव कर देते हैं, ये हो गया। आप देख सकते हैं माइकल माइकल चलता जा रहा है, ये नल क्यों आ गया, चलो देखते हैं एक बारी क्लोज एंड लोड टू करके। हाँ सर आपने शायद ना वो नाम नहीं चेंज किया था, ऑनर रखा था ना उसका, उसका कस्टम हो गया। अच्छा, तब करके हो सकता है। वो पहले में नल आ रहा था शायद, एक और कॉलम क्रिएट कर दिया होगा उसने। क्लियर हुआ गाइस सबको? ये देखो ऐड हो गए ना दोनों,
हाँ जी सर, दोनों करते ऐड हैं हम ना एक होंगे, बार। करके देखो एक बारी। तो नाम क्या है फाइल का? फाइल का नाम देखो, ऊपर खुद मेरे से पूछ रहे हो, इधर देखो, मल्टीपल वर्कशीट्स अपेंड। सर एंट्रीज की जगह नल एंट्रीज आ रही है टेबल में, कॉलम में। माइट बी उसका रीजन क्या हो सकता है? एक बार अगर हम यहाँ पे एंड्रयू टू को चेक करें एडिट में जाके, हाँ सर उसमें वो कॉलम का नाम ओनर करना है। यहाँ पे नेम ओनर करना पड़ेगा अपने को, रीनेम देखें। हाँ वो नया कॉलम क्रिएट कर दिया होगा उसने ना। रीनेम कहाँ पे है, कहाँ दिख रहा है अभी रीनेम? देखो रीनेम नहीं रहा नीचे है, नीचे होगा, है। हाँ डर गया यार मैं। ओनर ठीक है, आप देखें इसको। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको एक बारी डिलीट करके ना दोबारा क्रिएट करते हैं। यहां से गए अपेंड, अपेंड करने के बाद टू नहीं, टेबल्स ये चीज ना, विदाउट ओनर नेम की भी तो हो सकती है। हाँ वो कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस होती है यार अपनी अपनी की। हाँ कैसे चाहते हो, मैं तो आपको टूल बता रहा हूँ ना कैसे कर सकते हो। अब देखो जैसे हमने नहीं नाम चेंज किया तो वो नया एक कॉलम क्रिएट कर दिया था उसने, तो एरर आ गया था ना अपने पास। एक बार क्लोज एंड लोड टू कर लेते हैं, क्लोज एंड लोड। अब देखो, अब देखे यहाँ पे, ये देखो आ गया ना एंड्री, उसी में और कॉलम टू आपने कॉलम। मिस्टेक मिस्टेक ही करी थी ना कि आपने नाम चेंज कर हाँ लिया था। एक अच्छा में कॉलम ओनर कर दिया था, एक में कॉलम ओनर नहीं किया था मैंने। दोनों को कस्टम भी रहने देते। कल की डेट में अगर आप अच्छे मैनेजर होगे तो आपको कॉलम का नेम देना चाहिए, कस्टम कस्टम चलाओगे सारी जगह। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटे कहाँ से रिपीट करूं, सर जब आपने ये कॉलम नेम चेंज किया वहां से। डिलीट कर रहा हूं। यहां गए अपेंड, अपेंड करके कुछ नहीं किया हमने। माइकल ऊपर लेके आना है, उसके नीचे एंड्रयू लगाना है, तो एंड्रयू कर दिया। ओके उसके बाद क्लोज एंड लोड, ठीक है ये स्टेप था। क्लियर हुआ सबको? सेम ही फाइल में दो शीट थी, उनको एक के नीचे एक हमने लगा दिया। क्लियर है गाइस, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। हो गया बेटा सबका? यस सर। चलो अब ये तो था एक फाइल। अगर आप उसी फोल्डर को ध्यान से देखो तो मैंने उस फोल्डर में ना एक चीज ये भी दे रखी है, सेल्स डेटा कंपाइलेशन। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप देखो ये दो अलग अलग शीट्स हैं अपने पास, एक नैन्सी और एक स्टीवन। तो हो सकता है कई बार जो मेरे को डेटा अपेंड करना हो वो क्या हो, अलग अलग फाइल्स में हो। जैसे ये डेटा तो सेम फाइल में था अलग अलग शीट्स में, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि दोनों फाइल्स ही अलग अलग बनी हो। हाँ है ना? यस सर।
ठीक है जी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल खोलते हैं कंट्रोल एन। अब न्यू फाइल में हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, गेट डेटा, ठीक है जी। अब गेट डेटा कहाँ से करना है हमने, फ्रॉम अ वर्कबुक। गेट डेटा करना है हमें कहाँ से, फ्रॉम अ वर्कबुक। तो वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। अब वर्कबुक ढूंढने जाएंगे कहाँ पे, इसको ढूंढ लेने दो। अब कहाँ पड़ी है वर्कबुक अपनी, हम जाएंगे यहाँ पे पावर बी आई, यहाँ पे डेटा कंसोलिडेशन, सेल्स डेटा। नैन्सी डेटा था अपना, ठीक है जी। अब ये आ रहा है अपने पास, अब ये क्लिक किया सेल्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है जी, लोड। लोड पे क्लिक करेंगे, ये डेटा बना दिया इसने। यस नो, यस सर। फिर से गए डेटा फ्रॉम वर्कबुक। अब दूसरा डेटा कौन सा था, स्टीवन, ठीक है जी। अभी देखें यहाँ पे आया स्टीवन, आ गया सेल्स। अब एक बार लोड टू करके देखते हैं, लोड टू, लोड टू। अगर मैं लोड टू करता हूँ तो देखो क्या बोल रहा है, क्रिएट कनेक्शन। तो बेटर प्रैक्टिस क्या थी कि हम शीट ना लोड करके क्या करते, ठीक है जी, क्रिएट करते। तो एक बार इसको मैं बंद करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, कंट्रोल एन, क्योंकि नहीं तो शीट मेरी हैवी हो जाएगी काफी। डेटा, गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल, नैन्सी, ठीक है जी। यहाँ क्लिक करके हमने क्या किया, ठीक है जी, यहाँ क्लिक करके हम क्या कर रहे हैं, लोड टू। और लोड टू करके हम क्या कर रहे हैं, ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओके। अभी डेटा कनेक्शन क्रिएट हो गया, दूसरा डेटा भी ले लें, फ्रॉम फाइल वर्कबुक स्टीवन, ठीक है जी। अब स्टीवन के अंदर ये एक सेल्स रिपोर्ट पड़ी हुई है इसकी, लोड टू, ओनली क्रिएट कनेक्शंस, ओके। अब आप देख सकते हो दोनों के आपके क्या आ गए, कनेक्शंस आ गए। इसको रीनेम करना चाहते हो, रीनेम कर लो यहाँ से। जैसे पहले वाली किसकी थी, नैन्सी की रिपोर्ट थी, ये नैन्सी कर दिया हमने। दूसरी वाली किसकी थी, स्टीवन, स्टीवन की कर दी हमने। अब दोनों को हम देखो कनेक्शन बन गए, तो उसके बाद वही स्टेप, अपेंड, ऊपर नैन्सी का रिपोर्ट और नीचे किसकी आनी चाहिए, स्टीवन, ओके। आप देख सकते हो दोनों कंसोलिडेट हो गए, ठीक है जी। और फिर क्या करेंगे, क्लोज एंड लोड। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये। यस सर, प्लीज ट्राई दिस। बताना कहां से बताऊं सर, जब आपने डेटा लोड किया था उसके बाद एक बार जब कनेक्शन क्रिएट कर रहे थे, कनेक्शन क्रिएट करते क्या करेंगे हम, यहाँ पे राइट क्लिक, अपेंड, अपेंड में ऊपर नैन्सी का डेटा चाहिए, नीचे किसका चाहिए। जैसे इस बार मैं कहता हूँ कि ऊपर मुझे स्टीवन का चाहिए, अच्छा, और नीचे चाहिए नैन्सी आ जाएगा, ठीक है जी, ओके कर देंगे बस। फिर लोड हो जाएगा डेटा, वो वहां से क्लोज एंड लोड ट्राई करें। सर हमने नई शीट ली है बेटे, करो एक बार ट्राई, एक मिनट में आ रहा हूँ मैं।
हाँ जी, हो रहा है भाई सबका। सर अगर किसी रीजन से नैन्सी वाला डिलीट हो जाता है वर्कबुक तो ये कनेक्शंस मेंटेन रहेंगे? नहीं, अगर उसको बेस तो चाहिए ना कहीं हार्ड डिस्क से कनेक्शन बनाने के लिए। तो सर हम फिर लोड कर ले सीधा उसको इसी वर्कशीट में? कर लो, वो तो आपकी प्रैक्टिस है ना, मैं तो आपको टूल दे दिया। मैं शीट्स को कभी ज्यादा हैवी नहीं करता हूँ। कल को आप खोलोगे तो आप देखो पहले एक वर्कशीट, दूसरी वर्क, अब तो ये तो दो वर्कशीट है, फिर भी तेज खुल जाएगी। अगर ये 100, 150, 200 होती ये होगा ना, फिर तो आप ऑन करके चले गए, पूरा ब्रह्मांड का ऑफिस का चक्कर लगाया है, फिर जाके खुल रही है वो शीट। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, कोड भी चल पड़ा ना पीछे इसके। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है जी, जब हम अपेंड की बात कर रहे हैं, यहाँ देखते हैं हम ना एडिट में जाके, ये एडिट में गए, याद करो हमने सीखा था ना व्यू कस्टम एडिटर, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोड बन रहा है ना उसका, वो कोड और इसको हैवी करता जा रहा है। Am I clear guys? सर जब आपने सर कॉलम ऐड करा था उसमें तो आपने नाम लिखे थे एंड्रयू वगैरह, तो सर वो पूरा मतलब उसने सब कुछ एंड्रयू ले लिया मतलब उसमें, मतलब हाँ इक्वल टू कर दिया ना मैंने न्यू कॉलम ऐड करके। अगर सर हमें ऐसा करना हो कि मतलब शुरू के जो 10 नेम्स हैं वो एंड्रयू हैं और दूसरे 10 नेम्स अलग, ऐसे नहीं है, इतनी प्रोग्रामिंग नहीं देता ये आपको। वो VBA के थ्रू पॉसिबल है, वो मतलब कि एक्सेल के थ्रू पॉसिबल नहीं है। VBA में फॉर लूप लगा के ना, तो अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे ना एक चीज होती है, ये देखो व्यू कोड शीट के अंदर, व्यू कोड यहाँ पे ना प्रोग्रामिंग कर सकते हो पूरी की पूरी एक्सेल की, दैट इज विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। डेवलपर में, हाँ डेवलपिंग टूल होता है वो, ठीक है, वो भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको मैंने ऑफर इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना नॉन कोडर्स होते हैं, फिर वो फंस जाते हैं बीच में जाके कोर्स के। करें आगे? हाँ जी सर। अब देखो ये चीज हमने करी कि दो शीट्स ही चलो ऐड कर ली, सबको ठीक भी लगा कि हाँ यार ऐसे भी मल्टीपल शीट से भी हो सकता है, या फिर एक शीट में पड़ी हुई है दो शीट्स हमने उसको कर लिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बेटे, अगर कुछ ऐसा सिनारियो जनरेट हो, अभी हम देखते हैं इसको होल के। आप देखो यहाँ पे चार बंदे हैं, माइकल, एंड्रयू, नैन्सी, स्टीवन, और मैं कहता हूँ चार नहीं है ऐसे 400 हो गए, तो टफ नहीं हो जाएगा हमारे लिए दो 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 करके ऐड करना? यस नो? यस सर। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप तो देखो सबका कॉमन है, यू हैव टू क्रिएट कनेक्शन, ठीक है जी, इसको हम करते हैं कंट्रोल एस, ये हो गया। तीसरी शीट है डेटा कंसोलिडेशन यूजिंग एम लैंग्वेज, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो करेंगे क्या यहाँ पे, माइकल डेटा टेबल रेंज ओके, क्लोज एंड लोड टू, ठीक है जी। इसका हम क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताओ? ओनली कनेक्शन। तो पहला हो गया एंड्रयू, क्लोज एंड लोड टू, ओनली क्रिएट कनेक्शन। तीसरा नैन्सी में भी जाते हैं, टेबल रेंज, क्लोज एंड लोड टू, टेबल रेंज, क्लोज एंड लोड टू, ओके। चारों कनेक्शन बन गए बेटे, हाँ है ना? हाँ जी सर। सर फिर हमें कनेक्शन तो चलो वो तो बने हुए थे ना इसमें ऑलरेडी, चारों कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। हाँ वो बनाने पड़े, कनेक्शन जब तक नहीं बनेगा तब तक उस पे काम कैसे होएगा। अब पहली बार अपेंड यूज करेंगे, अपेंड पहली बार अगर अपेंड यूज करते हैं, माइकल को किसका जोड़ देते हैं हम, एंड्रयू जोड़ दिया ओके, ठीक है जी, ये बन गया। अब बाकियों के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोर्स में क्लिक करो,
व्यू में जाओ, एडवांस एडिटर, सोर्स में, व्यू में, एडवांस एडिटर, आप देखो उसने क्या यूज कर रखा है कोड। सोर्स इज इक्वल्स टू टेबल डॉट कंबाइन। टेबल डॉट कंबाइन क्या कर रहा है, एक एम लैंग्वेज का फंक्शन है जो टेबल्स को कंबाइन कर रहा है। और ये क्या है, हैश इन्वर्टेड कॉमास में पहली फाइल का नाम, हैश इन्वर्टेड कॉमास एंड्रयू टू। तो अगर मुझे अब तीसरा ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमा हैश इन्वर्टेड कॉमास। तीसरी फाइल कौन सी थी मेरी, तीसरी फाइल कौन सी थी, नैन्सी, 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 उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, जिसमें है, ये आ गया। अब उसने कहा इनवैलिड आइडेंटिफायर, इनवैलिड आइडेंटिफायर ले रहा है वो कोई, सर इन्वर्टेड कॉमास बंद, हाँ इन्वर्टेड कॉमास बंद करने थे हमने, बिल्कुल ठीक, ये आ गया। अब देखो नो सिंटैक्स हैज बीन जनरेटेड। और तीसरा कौन सा था, चौथा स्टीवन, स्पेलिंग चेक कर लेना बेटे, केस सेंसिटिव है, STEVEN, यही नाम था ना, स्पेलिंग चेक कर लो एक बारी, यही है, हाँ जी, मैंने नेम एंटर कर दिया सारे, देखो इसी में डन, लेट अस सी क्या होता है, ठीक है जी, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया तो इसका मतलब अपेंड हो गया। नाउ लेट अस से क्लोज एंड लोड, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आप देख सकते हो सारी एंट्री आ गई, सर एक बार रिपीट कर दोगे सर, वो करेक्शन चला जाएगा सर। ये देखो 40 आ गया, चेक कर लेते हैं बेटे, लास्ट में स्टीवन ऐड किया हमने, स्टीवन की लास्ट एंट्री देख लेते हैं, स्टीवन की लास्ट एंट्री इटली 40 है, आप देख सकते हो इटली 40 आ गई सर। बेटे एक मिनट का टाइम दो, ठीक है जी, हमने करा कुछ नहीं यहाँ पे, अपेंड का कोड देखो, जब हमने अपेंड कर दिया ना, अपेंड जब पहली बार मैंने किया तो मैं कुछ नहीं किया, मैंने एडवांस एडिटर में गया और मेरे पास ये चीज आ रही थी सिर्फ इतनी लिखी हुई, यस ठीक है जी, ये चीज लिखी आ रही थी मेरे पास, सिर्फ इतनी चीज लिखी आई थी मेरे पास, तो मैंने उसके अंदर देखा कि पहली फाइल का नाम, दूसरी फाइल का नाम किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, उसी फॉर्मेट में मैंने तीसरी फाइल का नाम और चौथी फाइल का नाम लिख दिया और एंटर कर दिया। एम आई क्लियर, डन पे क्लिक कर दिया वैसे भी उसके बाद, हाँ फिर उसके बाद डन की क्लिक कर दिया, बस फॉर्मेट चेक करें नहीं तो एरर जनरेट कर देगा वो। और सर इसमें मतलब ये नैन्सी और स्टीवन की है, मतलब चारों एक साथ ही पड़ी है इस फोल्डर में? हाँ उस फोल्डर, आप देखो ना फोल्डर नहीं फाइल, आप लोग फाइल भी नहीं देखते हो, ये देखो ना फाइल, ये देखो ना पड़ी हुई थी इसमें माइकल एंड्रयू नैन्सी, चाहे कहीं और पड़ी हो, मैंने तो बस एम लैंग्वेज में जाके वहां पे कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है, ठीक है। करके देखो बेटे एक बारी, और हर सीक्वेंस भी ऐसा होगा माइकल फिर एंड्रयू फिर नैन्सी, वो सीक्वेंस इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, आप जिस सीक्वेंस में दोगे उसी सीक्वेंस में वो अपेंड करता जाएगा, वो आप चेंज कर सकते हो। ओके सर, आपने लास्ट स्टेप अभी इसमें क्लोज एंड लोड करा, अगर मैं क्लोज एंड लोड 2 करती तो क्या होता उसमें, क्लोज आपने पिछले लेक्चर लगाए सर, लास्ट वाला मिस हुआ था, बस फिर ऐसे ही आप मिस हो ना तभी मिस कर रहे हो, क्लोज एंड लोड 2 करके देखो क्या आता है, कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगी। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, एडिट, यहाँ अगर मैं क्लोज एंड लोड टू करता हूँ, ये क्लोज एंड लोड टू दिखा नहीं रहा मुझे अभी क्योंकि ऑलरेडी लोड है ना, ठीक है जी, यहाँ पे आप बनाओ क्लोज एंड लोड टू करो, चार पांच ऑप्शन खुल जाएंगी, टू न्यू वर्कशीट, टू दिस वर्कशीट, कनेक्शन, अगर आपको सिर्फ कनेक्शन चाहिए तो वो चीज कर लो, अगर आपको वर्कशीट पे अपलोड करना है तो वहां से कर लो, समझ आया बेटे? यस सर। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास दो टेबल पड़ी है दो अलग अलग शीट पे, उसको एक ही शीट पे लेके आना है लेकिन टेबल सेपरेट होनी चाहिए, एक ही टेबल में नहीं आना चाहिए, एक ही शीट पे लेके आना, टेबल अलग लेके आना है, हाँ जी
कनेक्शन मर्ज करके ये फिर फायदा क्या हुआ, तो कॉपी पेस्ट कर लो आप, दो शीट्स ऐसे बना लो। कॉपी पेस्ट हो सकती है ना मतलब? दो शीट्स बना लो ना आप। जैसे आप देखो मैंने यहाँ किया था, यहाँ पे कंट्रोल, एक मिनट, एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये खोला मैंने, मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा, गेट डेटा फ्रॉम वर्कबुक, ये के लेटर से हम ले लेते हैं यहाँ से, पावर भी है, नैन्सी पकड़ ली, यहाँ क्लिक करके अब लोड कर देता हूँ मैं, ये हो गया ठीक है जी। फिर डेटा में जाके गेट डेटा फ्रॉम वर्कबुक, इस बस T1 पकड़ लिया ये हो गया लोड टू। अब देखो पूछा ना ये चीज ऑप्शन, टेबल में, पीवट में, यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे कर दो, ओके। आप देख सकते हो दोनों डेटा आ गए ना जो अलग अलग थे। अब इसके हम मर्ज करना है, मर्ज कर दो, जैसे मर्जी कर लो सर, एक ही उस पे चाहिए शीट पे दोनों टेबल्स। तो फिर यहाँ से आप क्या करो, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, यहाँ जाके कंट्रोल वी लो। और सर ये अभी एक साथ हो जाएंगे जैसे हम वहाँ पे डेटा पे जाके? हाँ अपेंड कर सकते हो। अब नहीं क्या कहते हैं इसको, मर्ज जब टेबल हाँ, रेंज में जाके करते हैं ना। हाँ कर लो, तो डेटा यहाँ क्लिक करोगे तो इसका कनेक्शन बनाएगा, यहाँ नहीं क्लिक सर करोगे दोनों तो का इस, एक साथ बना सकता है वो? दोनों का एक साथ कैसे बनाएगा, क्लिक तो आप एक ही जगह कर पाओगे ना, या तो यहाँ हाँ क्लिक कर जी। पाओगे। अगर आप यहाँ करोगे तो फिर वो कनेक्शन कैसे बनेगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि हाँ किसको हाँ जनरेट करना है मैंने। तो वही मैं कह रहा था कि अगर ये दोनों टेबल अगर हम जोड़ पाए किसी तरीके से ताकि एक ही क्लिक में वो कनेक्शन बना दे। नहीं ऐसे नहीं, फिर उसका देखो क्वेरी वो रहती है ना, कंफ्यूज हो जाएगी वो, इसको एक ही डेटा मान लेगी दोनों को। अच्छा ठीक है। हाँ जी हो गया सबका, आप कोई डाउट बेटे, आप कोई डाउट? नहीं सर। अब जो लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का कंसोलिडेशन में, वो है मिरेकुलस डेटा कंसोलिडेशन। सारा बंद कर रहा हूं मैं। अब मिरेकुलस डेटा क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे एक चीज है, ये एक फाइल, उसके अंदर 2016, 2017, फिर एम्प्लॉय की जॉइनिंग डेट, ये 2015, फिर क्वार्टर वन, फिर फेब्रवरी का डेटा, आप देख रहे हो एक फोल्डर, उसमें मल्टीपल सब फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर फाइल, फिर उसमें मल्टीपल फाइल्स, ऐसे कुछ चल रहा है? यस नो? यस सर। ठीक है जी। तो ऐसे डेटा को अगर आपने कंसोलिडेट करना है तो कैसे करेंगे हम, लेट्स ओपन अप अ न्यू फाइल, कंट्रोल एन से न्यू फाइल खोली हमने। अब न्यू फाइल खोलने के बाद आपके हिसाब से पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सर डेटा, डेटा, गेट डेटा, गेट डेटा। अब गेट डेटा कहाँ से होना चाहिए? सर फोल्डर से होना चाहिए। फोल्डर। अब यहाँ पे फोल्डर के बाद देखो वो फोल्डर पाथ मांग रहा है, तो ब्राउज करें, हमारा कहाँ पड़ा है डेटा, हमारा पड़ा है सी ड्राइव में, लेट्स गो इन सी ड्राइव। दिखाई नहीं मुझे कहाँ गया, चलो दिस पीसी में देख लेते हैं, नेटवर्क लाइब्रेरीज दिख क्यों नहीं रहा मुझे यार, ये पीसी, दिस पीसी में चलते हैं, दिस पीसी, सी ड्राइव। अब सी ड्राइव में अपने को क्या चाहिए, पावर भी है, पावर बी आई के अंदर क्या है, लेक्चर सेवन। अब लेक्चर सेवन में क्या है, मिराकुलस डेटा। अब देखो मिराकुलस डेटा के अंदर ये तीन फोल्डर्स पड़े हुए हैं, अब आपने खुद वहां तक रुकना है जहां पे आपको देखने की आपके डेटा सारा कवर हो जाए। जैसे मैं मिराकुलस डेटा पे ही रुक जाता हूँ, यहाँ क्लिक करके ओके,
तो इसके अंदर अब देखते हैं क्या होता है. मैंने डेटा को पाथ दे दिया. ओके लेट सी व्हाट हैपेंस. जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखो उसने जितनी भी अंदर फाइल्स थी, एक उसको टेक्स्ट फाइल भी दिख रही है, समझ रहे हो, code.txt नाम की टेक्स्ट फाइल भी है. जितनी भी XML फाइल्स हैं वो देखो XLX के एक्सटेंशन के साथ आ गई, और ये किसके साथ है, TXT एक्सटेंशन के साथ. तो घबराना नहीं है कि वहां पे यूनिफॉर्म डेटा होना चाहिए. अगर कोई फाइल आ भी रही है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम फिल्टर कर लेंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो गया लोड. ठीक है, लोड करके देखें क्या बनता. ऐसे बन गया कुछ जो डेटा उसने लोड किया एक्सेल फाइल में, हाँ है ना जी. अब यहाँ क्लिक करके फ्रॉम टेबल रेंज इसको पावर क्वेरी में ले लें. अब पावर क्वेरी में आप चाहते हो सिर्फ XML फाइल्स पे काम करना, तो ये TXT फाइल किसी काम की नहीं है. ध्यान से समझना, नोटिस पूरा करना, इसको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आपको. TXT फाइल ध्यान से, यहाँ जाके हमने क्या करा, सिलेक्ट ऑल हटा के सिर्फ XLS फाइल देख ली. ओके तो अब आप देख सकते हो सिर्फ XML फाइल्स रहेगी यहाँ पे. अब मुझे डेट एक्सेस, डेट मॉडिफाइड, डेट क्रिएटेड मुझे किसी काम की नहीं लग रही है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव. एम आई क्लियर ऑन दिस? यस सर. ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो फाइल बन रही है अपनी वो ऐसे कुछ बन गई. ठीक है जी, यहाँ जो बन गई फाइल वो ऐसे बन गई कुछ, रिमूव कॉलम के बाद ये बन गई. एक्सटेंशंस फिल्टर कैसे किए थे एक बार बता दो दोबारा, कौन से वाले, सर डॉट टीएक्सटी वाला कैसे रिमूव किया, यहां पे क्लिक करके. ओके सर. ठीक है, ये हो गया. अब देखो मैं एक चीज अगर यहाँ पे ध्यान से देखूं, इस चीज को ड्रैग करके अगर, तो ये बेसिकली मुझे बता रहा है कि डेटा किस टाइप का, यहाँ नीचे पढ़ सकते हो आप कि 2015 का है क्वार्टर वन का डेटा. ठीक है जी, ये देखो क्वार्टर वन क्वार्टर टू ऐसे दिख रहा है नीचे, नीचे देख पा रहे हो यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो अब मेरे लिए एक चीज इम्पोर्टेंट ये भी है कि भैया किसका डेटा है ये, क्वार्टर वन का कि क्वार्टर टू का. तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये वाली चीज कहीं ना कहीं बाहर निकालनी पड़ेगी कि कौन से साल का डेटा है और किस क्वार्टर का डेटा है. तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये चीज मैं करवा चुका हूँ पहले आपको. ये चीज मैं करवा चुका हूँ आपको पहले. एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट या स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट कॉलम सर, स्प्लिट कॉलम. और स्प्लिट कॉलम किससे, डिलिमिटेड से कि नंबर ऑफ कैरेक्टर से, कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दिख रहे हैं. लेट अस पुट 12, देखें क्या होता है. आप देख सकते हो, लेकिन अच्छा 12 पुट करने पे शायद स्पेस होएंगी इसके अंदर, उसने 16 पिक कर लिया, ये नहीं लेते. ठीक है, यहाँ क्लिक करके दोबारा स्प्लिट कॉलम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 14 कर देता हूँ, क्योंकि दो में सो रहे थे ना. और क्या है, एज राइट एज पॉसिबल. ओके अब आप देख सकते हो अलग कर दिया ना उसने 2015 2016 सो ऑन. यस नो, क्वार्टर वन. अब ये किसी काम का नहीं रहा तो इसको रिमूव कर दें. अब इसको क्या कर सकते हैं हम, फर्दर फिर से स्प्लिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डेलीमीटर, छोटा हो गया ना. ठीक है, ये हमने हाइफन इसके स्लैश के बेस पे जहां जहां आ रहा है तीन कॉलम में लेटर से कर दिया. ओके तो आप देखो कुछ कुछ समझ आना स्टार्ट हुआ, देखो क्लीन हो रहा है डेटा. अब पता लग रहा है कि ये जनवरी की एक्सेल एक्स है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है. यस नो? यस सर. ठीक है, करो जरा एक बारी सर, ट्राई करते. सर जो आपने गेट डेटा करा था तो आपने पूरा फोल्डर, पूरे फोल्डर पे क्लिक करा था ना? हाँ जी. उसका पहला फोल्डर मतलब उसके अंदर जा जा करके आपने मतलब, नहीं मैंने जहाँ पे आप रोकोगे उसके अंदर की सारी फाइल्स पिक कर लेगा.
हाँ जी बेटा, एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना कुछ डेटा में सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, एक दो चीज़ें और दिखानी है मैंने, ठीक है नी? तो आप देख सकते हैं जनवरी का डेटा आ गया, सो ऑन। चलो अब एक बार दोबारा एक नई फाइल खोलते हैं, उसमें शुरू करते हैं दोबारा से, स्टेप भी रिपीट हो जाएंगे। डिस्कार्ड, कंट्रोल एन। तो हमने क्या करना है, डेटा, गेट डेटा फ्रॉम व्हाट फोल्डर, यहां ब्राउज करते हैं, दिस पीसी, सी ड्राइव, पावर भी है, सेवन, मिराक्युलस डेटा, एम्प्लॉय पे हम करके यहाँ पे छोड़ देते हैं एक बारी ना, लेट अस सी, ओके ओके। अब आप देख सकते हो कुछ और आया है यहाँ पे बाइनरी करके, ये दिखाना था मैंने। अब हम क्या कर देते हैं इसको लोड टू करके देखते हैं, लोड टू करके हम सिर्फ क्या कर लेते हैं, ओनली क्रिएट कनेक्शन। तो अब ये कनेक्शन बन गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो पावर में चला गया ये। अब अगेन ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, रिमूव। रिकॉर्ड भी मेरे किसी काम का नहीं होता, ये रिकॉर्ड में बेसिकली क्या आता है कि साइज क्या है उसका, ये सारी बकवासबाजी सी होती है, ठीक है जी, ये मेरे किसी काम का नहीं है, आई विल नॉट डू दिस। ये रिमूव कर दिया, यहां से क्या करा, सिर्फ एक्सेल फाइल रखी, ओके, ठीक है जी। अब ये बाइनरी का मतलब क्या, इट्स एन इंटरव्यू क्वेश्चन जो अच्छी अच्छी कंपनीज पूछ सकती है एनालिटिक्स में। बाइनरी का मतलब क्या है, देखो कई बार क्या आएगा कि अगर मैं बाइनरी पे क्लिक करूँ ना, यहाँ पे आप देखो इवैल्यूएटिंग क्वेरी कुछ कर रहा है वो, लेट अस सी क्या करते हैं। आप देखो यहाँ पे अंदर कर क्या रहा है वो, अगर मैं बाइनरी की इस पे क्लिक करता हूँ तो फेब्रवरी का डेटा है इसके पास ही, फेब्रवरी, यहां क्लिक करता हूं तो ये जनवरी का डेटा है, यहां क्लिक करता हूं तो मार्च का डेटा है। हो सकता है इन फाइल्स के अंदर और शीट्स भी हों, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। ये बाइनरी क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि इन फाइल्स के अंदर और भी शीट हो सकती हैं, तो इनको हम कैसे कर सकते हैं, यहां से यहां क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस बाइनरी से हम कैसे निकाल सकते हैं, बाइनरी से हम चीज कैसे निकाल सकते हैं, हम यहां पे करेंगे ऐड कॉलम, ध्यान से देखना, ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, ठीक है जी। एक कोड है मेरे पास, ध्यान से लिख लेना इसको, एक्सेल डॉट वर्कबुक ब्रैकेट। अब आप देखो यहां पे ये चार चीजें दिखा रहा है, ये चार चीजें क्या दिखा रहा है, जो इस बाइनरी के अंदर पड़ा हुआ है, बाइनरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमें क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए इसका, डबल क्लिक, सर ओके मत करना, हाँ नोट कर लेना, कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस, नो सिंटैक्स एरर हैज बीन जनरेटेड। सर आर चेंज कर लो वर्कबुक में ना, क्या चेंज कर लूं, ओ सॉरी वर्कबुक, ठीक है। ये कोड है यूजिंग एम लैंग्वेज, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बेटे देख लेना, लास्ट वाला जो है ना ये थोड़ा ट्रिकी है कंसोलिडेशन का, और यही एक्स फैक्टर है कंसोलिडेशन के लेक्चर का, क्योंकि एक या दो लेक्चर और रह गए डेटा क्लीनिंग के, फिर उसके बाद हम पावर पिवट, पावर मैपिंग उस पर चले जाएंगे। मैंने क्या मानो आपका 40% कोर्स खत्म हो गया आज। हाँ जी कर लिया नोट, लेट सी, ओके। आप देख सकते हो उसने एक नया टेबल क्रिएट कर दिया। अब इस टेबल के अंदर क्या है, अगर आप ध्यान से देखो वही चीज आ रही है, नेम, डेटा, आइटम, काइंड, ठीक है। तो इसमें से मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए लेटर से, ठीक है जी, नेम चाहिए, ओके, ठीक है। या हम क्या करते हैं, इसको छोड़ो, सारे निकाल लेते हैं बाहर, टेबल जो क्रिएट किया उसने उस पर एक्सपैंड पे करके ना ओके कर दो बस। तो आप देख सकते हैं जो टेबल के अंदर का कंटेंट है, जैसे फरवरी में
मुंबई नाम की शीट है, एक और टेबल दिखा रहा है वो यहाँ पे, एक और टेबल का मतलब फर्दर कुछ और भी है उसके अंदर, तो वहां भी क्लिक करके एक्सपैंड ओके, तो आप देख सकते हो अब उसने क्या देना स्टार्ट कर दिया कि फेब्रवरी में, ठीक है, मुंबई का डेटा है, उसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, ठीक है जी, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, और फिर मुंबई शीट ऐसे कुछ कह रखा है, जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ताकि थोड़ा डेटा ना समझ आना स्टार्ट हो। ये डेजिग्नेशन ये हो गया एम्प्लॉय, अब यहाँ पे आप देखो एक चीज आ रही है, ये एम्प्लॉय डेजिग्नेशन और क्या है ये इसमें हेडिंग लग रही है मुझे, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी, होम, और हमारे पास एक होता था मेक फर्स्ट रो एज हेडर, फर्स्ट रो एज हेडर कहाँ गया, ट्रांसफॉर्म में देखो बेटे कहीं दिख रहा है सबको, सर वो पहले होम में था, होम में कहाँ पे है सर, ये ग्रुप बाय के साथ में, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ग्रुप बाय कहाँ, ग्रुप बाय तो दिखी ना मुझे, हाँ ग्रुप बाय यूज यहाँ गया, ये हो गया, तो अब आप देख सकते हो ये हो गया ना, सेटिंग आ गई पूरी की पूरी, अब ये बाइनरी मेरे किसी काम का नहीं रहा, रिमूव, ये भी मेरे किसी काम का नहीं है, रिमूव, ठीक है जी, यहां से मैं डेटा क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे, 14 थे याद करो, राइट से ओके, तो ये भी मेरे किसी काम का नहीं रहा, रिमूव, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट डिलीमीटर ओके, देखोगे ना यहां से इसको रिमूव कर दिया हमने, थोड़ा सा इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं, ये हो गया देखो, तो अब रिपोर्ट कुछ कुछ समझ आनी स्टार्ट हुई ना, हाँ जी सर, ठीक है, तो आप देख सकते हो सेल्स मुंबई, ये पूरा डेटा देखो आपका बन गया, अब आप जैसे मर्जी इसको अरेंज कर सकते हो, जैसे मैं क्या कर लूंगा, एम्प्लॉय को आगे ले आया, फिर एम्प्लॉय नेम, फिर उसका पोजीशन, ठीक है जी, फिर उसका डिपार्टमेंट, ठीक है जी, फिर मंथ, फिर क्वार्टर कर लेते हैं, फिर मंथ, फिर ये, और वो कहाँ से है, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं लोग, अब देखो बन गया ना पूरा रिपोर्ट एक प्रॉपर, देख सकते हो, ठीक है, हुआ डेटा क्लीन पूरा का पूरा, और फाइनल स्टेप क्लोज एंड लोड, लो जी अब जो मर्जी करो इस डेटा के साथ आप, तो सर हम जैसे आपने पहले फोल्डर से चेक किया था तो उससे नहीं बाइनरी वाला ऑप्शन आता बेटा, उसमें मल्टीपल फोल्डर्स थे ना, अब जो हमारा जॉइनिंग वाला डेटा था उसके अंदर नहीं था, वो बाई चांस की बात है बाइनरी उसने क्यों नहीं क्रिएट किया, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, ठीक है, बट वो करेगा, अभी देखो डेटा बड़ा है तो टाइम ले रहा है वो कनेक्ट करने के अंदर, आप इसको ना करके देखना बेटे एक बार अच्छे से, क्योंकि ये लास्ट वाली चीज है ना, बड़ा एक्सपेक्टर है इसका, बहुत काम होता है इसमें, हाँ जी सर, सर एक बार ये दोबारा बताना बाइनरी का क्या एग्जैक्टली मतलब था, बाइनरी के अंदर क्या मतलब है, कि बाइनरी के अंदर और भी चीजें छुपी हुई है, बाइनरी तब जनरेट होता है जब उसके अंदर और कुछ हो, तो बाइनरी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक्सेल डॉट वर्कबुक, और आपको जो जो भी चीज है ना, जो भी आपको कंटेंट वाली चीज होगी हमेशा, उसको डबल क्लिक करोगे तो कंटेंट लिखा आ जाएगा वहां पे, एंटर कर देना, एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, उस टेबल में फर्दर कॉलम्स बने होते हैं आपके, वो आप एक बार वीडियो दोबारा देखना, आपको तब समझ आएगा, एक गो में ये चीज क्लियर नहीं होती कभी भी, गेट डेटा दोबारा करके दिखाना, कौन से वाला, गेट डेटा, गेट डेटा इसका, ये फाइल फ्रॉम फोल्डर ब्राउज पीसी सी ड्राइव पावर बी आई लेक्चर 7 में थे हम, मिराकुलस डेटा, अब यहीं पे रोक देता हूँ एक बार, मैं देखता हूँ दोबारा से करके, मैंने अभी इम्प्लॉय किया था ना, मिराकुलस डेटा ओके ओके, लेट अस सी क्या जनरेट करता है ये, ऐसे कर आप देखो इस बार बाइनरी उसने दे दिया, शायद हो सकता है मैंने डिलीट कर दिया उस टाइम, सर फोल्डर में भी आना चाहिए ना बाइनरी, हाँ, वो आ रहा था, ठीक है जी, लोड टू, अब लोड टू करके हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ओनली क्रिएट कनेक्शंस,
ये आ गए यहाँ पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, ऐड ऐड कॉलम ये, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी कंटेंट आ रहा है ना। हाँ जी ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सेल डॉट वर्क बुक ओके। अभी वो कर रहा है, देखो टेबल बना दिया। अब टेबल के अंदर देखो बहुत कुछ है, कर दिया एक्सपैंड। और देखो सारा डेटा आना स्टार्ट हो गया ना। अब एक और टेबल क्रिएट कर दिया उसने, यानी कि इसके अंदर भी कुछ पड़ा हुआ है, तो इसको भी आप क्या कर लो एक्सपैंड। अब यहाँ पे वो एम्प्लॉय नेम ये चीज, तो हमने इसको क्या करना है, हेडिंग बना दे फर्स्ट रो हेडर्स। ठीक है नहीं, यूज फर्स्ट रो हेडर्स, ये हो गया। वो एरर दे दिया इसने, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने लगता है, वो ज्यादा अच्छा पीछे भी था, बाइनरी भी स्लेट हो रखा था। कहाँ गया, ठीक है वो आ रखा है ऊपर चला गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये शीट इसको रिमूव, ठीक है जी। डिपार्टमेंट हो गया, ये स्प्लिटिंग तो आ गई ना यहाँ पे जो हमने करी है। हाँ जी सर, ठीक है जी। सर जो आपने एक्सेल डॉट वर्कबुक लिखा था वो फॉर्मूला है कोई? हाँ जी, किसी भी बाइनरी के अंदर से कंटेंट निकालने का, वो मशीन लैंग्वेज के बिना कर नहीं पाएंगे हम। Am I clear guys? सर ये जो बाकी रोज भी वो हो गई, फर्स्ट रो एज हेडर मुंबई जैसे? हाँ नहीं, मैंने सिलेक्ट करके किया ना, जैसे मैंने सिर्फ इन तीन पे करना है अगर। नहीं नहीं वो बाकी भी हो गए सर, वो नोएडा वाली जैसे। वो बाइट तभी वो एरर दे रही थी ना मेरे को, देखो वो एरर दे रही है नीचे। नहीं सर बाइनरी नहीं, वो इनकी वो लिखी है सिटी, राइट में सर, जैसे नोएडा भी ऊपर आ गया। वही कह रहा हूँ ना, वो मैंने पहला पूरा ही सिलेक्ट करके कर दिया था। अच्छा आप सिलेक्शन करके करोगे तो नहीं होगा वो। ओके सर, क्लियर हो गया गाइस सबको आज का लेक्चर? हाँ जी सर। ठीक है, हमारा डेटा कंसोलिडेशन पूरा खत्म हो गया। अरे एक चीज और बता दीजिए पहले वाली, जो हम वो कर रहे थे अपेंड कर रहे थे माइकल, और जब चार वाले थे चार शीट, तो उसमें हम सर मल्टीपल सिलेक्ट करके भी तो कर सकते हैं अपेंड? कर सकते हो, मतलब कोड लिखने की जरूरत नहीं है? तरीका बता दिया मैंने आपको, चाहे आप अलग अलग एक एक दो दो करके कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप कोड के थ्रू लिख लो। नहीं वो थ्री और मोर में जाके वो सारे जाके उसमें, हाँ कर सकते, वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर कर सकते वो आपकी मर्जी, एक ही चीज को करने के मल्टीपल तरीके बता दिए मैंने आपको, वो करके देखा सेम ही आ रहा है। हाँ वो हो जाएगा। चक्कर क्या था, ये 2019 या 2016 में पहली बार आया टू और मोर जो आया ना, थ्री और मोर वाला, उससे पहले नहीं था। तो उससे पहले उसमें हम इसको यूज करते थे एम लैंग्वेज को ही करने के लिए। ठीक है गाइस सबको क्लियर हो गया जी? हाँ जी सर, थैंक यू। बस करते हैं आज के लिए, ठीक है मिलते हैं कल की क्लास में, चलिए टेक केयर। रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग बेटे कल सुबह